तो दोस्तों पंजाबी माइंड चैनल पर आपका स्वागत है। हम आगे यहाँ पे एक बाथरूम में, यहाँ पे जो स्पॉट लगा हुआ है और इस स्पॉट में ये कमी है कि इस स्पॉट के अंदर जो फिटिंग में जिसमें ये लगा हुआ उसका ये रिंग घूम गया है, जिसके कारण ये लीक कर रहा है। बहुत तरीके अपनाने के बाद कई लोगों ने इसे रिपेयर करा लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं। देखिए कुछ एमसील भी टाइल्स पे लगी हुई है लेकिन सक्सेस नहीं है। आज हम इसको रिपेयर करके दिखाएंगे और 100% सक्सेस है, यानी पूरी तरह कामयाब हुआ है। सबसे पहले इस नलके में लगे हुए ब्रास रिंग को खोल लेते हैं। खोलने के बाद इसमें 6 इंच GI का यानी कि लोहे का निप्पल लगाएंगे, चूड़ी वाला। और लोहे का निप्पल हमने इसीलिए लगाया था कि गैस वेल्डिंग करते समय इसकी थ्रेड पे कोई असर ना हो हीटिंग होने के बाद। और इस रिंग को ज़्यादा गर्म नहीं करना है ताकि नहीं तो ये मेल्ट हो जाएगा, बहुत पतला रिंग होता है। इस पर हमने जो पीतल की रॉड के साथ इस पर डॉट डॉट बना देने हैं, यानी कि उसको रफ कर देना है काफ़ी हद तक। हमने इसमें जो 3 जगह डॉट बनाए हैं, आप 3 जगह भी बना सकते हैं, 4 जगह भी बना सकते हैं। वेल्डिंग करा के हम घर पे ले आए हैं इसको। अब चेक करते हैं इसकी जो थ्रेड है वो साफ़ है कि नहीं है। देखिए थ्रेड इसकी बिल्कुल साफ़ है और फिर निप्पल टाइट कर देते हैं। अब इस वेल्डिंग पे हम ग्राइंडर की सहायता से कट बनाएंगे ताकि इसको थोड़ा और रफ कर सके। थोड़ी लाइनें बना देंगे उस डॉट के अंदर ऊपर। ये देखिए जो हमने रिंग में ब्रास की वेल्डिंग करवाई थी इसमें हमने ग्राइंडर की सहायता से कट बना दिए ताकि ये रफ हो सके और ज़्यादा पकड़ कर सके उस PVC फिटिंग के अंदर। अब हम इस थ्रेड वाले ब्रास रिंग को PVC फिटिंग में लगाएंगे। रिंग लगाते समय एक चीज़ का ध्यान देना है कि रिंग जो है एक ही जगह पर सीधा लगना चाहिए, मतलब कि घूमना नहीं चाहिए। मतलब कि ये जो हमने इसका मोटा वाला डॉट ये ऊपर रखा हुआ है। अब इसको सबसे पहले ब्रास रिंग को हम गर्म कर लेते हैं गैस पर, और ये हमारा पाइप गर्म हो चुका है। हम प्लास्टिक की सहायता से इसको पकड़ेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं। आप देखेंगे कि मैं इस गर्म रिंग को इस PVC फिटिंग में लगा रहा हूँ, जो मोटा वाला डॉट है पीतल की वेल्डिंग का वो मैंने ऊपर की साइड रखा हुआ, और प्रेस करना है इसको, रिंग को घुमाना नहीं है। एक बारी में रिंग अंदर गया नहीं, अब दूसरी बार फिर इसको गर्म करके फिर लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि दूसरी बार देखिए ये रिंग पूरी तरह PVC फिटिंग में बैठ चुका है। रिंग निकालने के बाद इसको आंच पे फिर गर्म करना है ताकि इस पे जो PVC लगी है वो मेल्ट हो जाए। अब एक एरल्डाइट लेंगे, लगभग 13 ग्राम की और 50 रुपए की किसी भी हार्डवेयर शॉप से मिल जाएगी। इस एरल्डाइट में 2 ट्यूब आती हैं, हम दोनों को मिक्स कर लेंगे और उस ब्रास रिंग के ऊपर लगाएंगे और इस PVC फिटिंग के अंदर लगाएंगे। तो दोस्तों हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देते हैं, तो कृपया इन वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपका हक है। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। अब ब्रास रिंग लगाते समय हमें ये ध्यान देना है कि हमने ब्रास रिंग उसी जगह पर लगाना है जहाँ पर हमने ये हीटिंग करके यानी कि गर्म करके लगाया था। पीतल वेल्डिंग का जो मोटा वाला हिस्सा था उसको हमने जो ऊपर की साइड रखा था उसी जगह होना है, और इसको हैमर से अच्छी तरह ठोक देंगे। इस GI निप्पल को हम आधे घंटे बाद खोल लेंगे ताकि इसको एरल्डाइड जो जाम ना कर सके। इसमें से ब्रास निप्पल हमने उसी टाइम खोल लिया था। अब हम लगभग 24 घंटे बाद आए हैं, 24 घंटे बाद अब इसको जो है लगभग इसको जो है टेस्ट करके दिखाते हैं आपको कि ये फिक्स हो गया पूरा रिंग, या लीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सब आपके सामने होगा। अब प्लग टाइट होने के बाद अब डाइवर्टर ऑन कर देते हैं और टाइल्स के ऊपर जो पानी लगा उसे कपड़े साफ कर देते हैं।
चलिए कैमरे को थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको लीकेज दिखाई दे सके। देखिए लीकेज बिल्कुल नहीं है और ये 100% कामयाब है। हमारा जो है ये डाइवर्टर ऑन है। चलिए प्लग खोल के दिखाते हैं, इसके अंदर पानी ऑन है। आप देखेंगे कि हमने पूरी तरह चेकिंग कर ली है। लगभग इसको आधा घंटा जो ऐसे छोड़ दिया था ताकि कहीं टाइल्स पे पानी दिखाई दे जाए। और अब हमने स्पॉट पे टेफ्लॉन टेप लगा दी। अब इसको इसमें टाइट कर देते हैं। चलिए स्पॉट में पानी ऑन करके देखते हैं। ऐसी जानकारी पाने के बाद इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, इसलिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।